60 फुट बैरल भितरु राहुल को उद्धार करिया परे एबे भूरी भूरी प्रशंसा मिलुची एनडीआरएफ टीम को। आ एनडीआरएफ टीम 105 घंटा धरी अक्लांत परिश्रम रे राहुल भितर उद्धार करायची। या सहित छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मध्ये यांको गतकाली समर्थित करथिले। सीधासलख आमे रहिचु वर्तमान समय रे छत्तीसगढ़ भिलाई रो एनडीआरएफ कैंप रहिचु। आ देखुथु आपण पछपट जो चित्र रहिचु ये होचंती एनडीआरएफ कर्मचारी। एमाने पाखापाखि 105 घंटा धरी 5 दिन धरी कि एमाने अक्लांत परिश्रम करके राहुल साहु को बोरवेल भितर उद्धार करते कहीं से समय जो चित्र देखा कहानी बखाणा गोटे दुखद घटना थी। समस्ते जान जीवन लगे कि राहुल को भितर उद्धार करेंगे से समस्त लड़ी भिड़ी काम करते आपड़ देखुए बर्तमान समय समस्त एनडीएफ कर्मचारी अच्छा यही एनडीएफ कर्मचारी मैंने से दिन दिन तमाम रात दिन न शोक न खाईपी काम करते कि राहुल को कते समय बात तुरंत भितर बाहर करेंगे। सीधा सलख जो एनडीएफ कर्मचारी प्रतीक रखा आप जानते जिते बेले जो रही महावीर महांती से युवक ढेंकनाल टीम वर्क मुख्य टीम वर्क राहुल को प्रथम कर भितर बाहर कराइला। सीधा सलख महावीर महांती प्रतीक रखा सर प्रथम को आपको अर्गज स्वागत करुच्ची कौन कहे आपड़ जितेबले देखु लगातार 105 घंटा धरी अक्लांत परिश्रम पर राहुल को भितर बाहर कर भाई आपड़े खबर के पाइले केमती गले आपति फिलिंग से समय नमस्कार थर्ड एनपीआर एनडीआरएफ रु इन्स्पेक्टर महावीर महांती रीजनाल रेस्क्यू टीम आरआरसी भिलाई रे प्रेजेंट अच्छे मो पाक प्रथम कल आसला 10 तारीख 5टा बजे एडिशनल एसपी जांगीर फोन करते तुरंत आम टीम को काल विलंब नक 15 मिनट भितर आम बाहरी पड़ू आज ए टीम कमांडर सब पिला मोटिवेशन रखा से मानकर कथा बुझा वर्क डेवलपमेंट करवा पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट करवा आउ कार्यर तदारख कर केमी प्लानिंग या सुरक्षित भाव में बाहर करवा यह मोर काम था प्रथम रु आरंभ शेष जाए निगरानी रखी थी तारी कार्य कार्यटी सुपारू रूप से होता बहुत आम टीम पूरा संपूर्ण भाव में खुशी आम देखु आप टीम अनेक गुड़ाए मेम्बर रही किए किए कौन कौन दायित्व रखी थे मुख्यतः ये आमर सब इन्स्पेक्टर सिन्ना सिन्ना साहब जी कि आमर लाइव सपोर्ट रे थिले चारजन टीम को नहीं से माने राहुल रो खाइबा पीवा आरंभ कर 24 घंटा तार सीसीटीवी कैमरा रे ऑब्जर्वेशन रखुते केमी मनोबल भांगी ना जीव लाइव रे सेटल रही ऑक्सीजन सप्लाई हे आ खाद्य पान पहुँच से रखर तदारख करते आई है आम सब इन्स्पेक्टर मोर थे विकास भगत साहब जे कि पूरा डिगिंग खोदाई चार्ज नहीं से पिला कि सेफ्टी सुरक्षा सहित गात टनेल केमी खोला हे भितर पशी ताकि सुरक्षित बाहर करे तार तदारख करते आते मुख्य भूमिका ये नहीं आम कांस्टेबल अनिल जे कि पिला को जगे रखी था खाद्य पानी पहुँचे बहुत मानते सहित अंगांगी भाव जड़ित रही आउ समस्त भाव में ये अनिल सहित रही लाइव सपोर्ट रे आमर थे ये एक दास तो महंत ये सब निकम ये सब भितर रही खोल मैंने गोटे निपुणता सहित निस्वार्थ भाव पूर भाव निज जीवन को बाजी लगे भितर टनेल भितर पशि से पथर एत लाइमस्टोन जो दीर्घ चट्टाण को निया बाहर ताकि धूआ धूली गरम को खातिर नक सी भितर एत बड़ 50 किलो भाइब्रेसन धरी जहाँकि आम एस भी कहे तो उपरको कि सैड आंगल के डेजरस इन्स्ट्रुमेंट को यूज करा कथ ना निज छाती रखी उपर मुखा हो जो पथर को काटा केत बड़ मानने विपद संकुल रास्ता या राहुल को उद्धार करने जीवन को पूरा बाजी लगे खाद्य भोक शोष सब भूल जाते ता गोटे मानते एनडीआरएफ गौरव ने तो एक हिस्ट्री रे बोधे स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध होकर रही देखु ये जो एनडीआरएफ ये जो संघर्ष था 105 घंटा धरी उद्धार कले ये प्रथम कर एनडीआरएफ ये बड़ चैलेंज था ना या पूर्व ये कमी किसी घटना होता कि एनडीआरएफ तो ये बहुत बड़ मानते प्रथम थर एनडीआरएफ क्या 105 घंटार रेस्क्यू अपरेसन शायद भारतवर्षर कौटी है या पूर्व आप जानते गोटे प्रिन्स रहा जो कि राजस्थान में से राजस्थान रही जमी आपते एडीजी साहब कहते आप मुख्यमंत्री सार कहते मीटिंग रे कि से प्रिंस घटना रे कौन थिला खाली माटी राजस्थान रो माटी आउ ये राजस्थान ये छत्तीसगढ़ जो से गात से कहले से भाया छत्तीसगढ़ गोटे गात राजस्थान गाँ ही खोदा हो जिते पथर तलकू तलक जी जाऊे बड़ बड़ चैलेंज लास्ट रे पुणी पूरा कंक्रीट स्लाब आउ चट्टाण पूरा ताकू काटिकी भितर को जीवा ये टेम्परेचर भितर अंधार बहुत बड़ डिफिकल्ट टास्क था देखुले प्रतीक रखुला महावीर महांती आउ किसी कर्मचारी अच्छा सब इन्स्पेक्टर तर प्रतीक रखा सर आपका क्या भूमिका था उस टाइम में आप जो 105 घंटे जो लगातार संघर्ष करते उस टाइम आपका भूमिका क्या था आप कैसे कर रहे थे वो। हाँ नमस्कार, मैं विकास कुमार थर्ड मंडी मंडल से। यहाँ पे सर मैं टीम कमांडर के 2IC के तौर पे असिस्ट के लिए
तैनात था, तो हर काम में जहाँ भी डिप्लॉयमेंट हो मैं भी वहाँ प्रेजेंट रहता था, ऑब्जर्व करते रहता था। मैं जब टीम थ्री का जब डिगिंग का काम शुरू हुआ तो उस पर मेरा रोल ज़्यादा रह गया, तो मैं टाइम टू टाइम देखते रहता था कितना डिगिंग हुआ, कितनी फ़ीट हाइट वेट, मोस्टली 60 फीट डिगिंग करना था। उसके बाद हमें 22 फीट टनल बनाना था। टनल बनाने का काम जब पहले सेंट्रल में लाया गया तो लगभग बताया गया कि 20 फीट का टनल बनेगा, तो उस लेकिन टनल का काम जब शुरू हुआ तो काफ़ी मुश्किलें आई, चट्टानें इतनी टाइट थी कि उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारी टीम काफ़ी ट्रेंड है, सबका मनोबल काफ़ी मोटिवेटेड था। टीम कमांडर के तौर पे हमारे तरफ से हमारे टीम जी ओ आई सी के तौर पे काफ़ी उन्हें मोटिवेटेड किया गया था, सभी टीम लगातार कंटिन्यू काम करते रह गई। हाँ, थोड़ा दिक्कत आई चट्टाने हटाने में, तो कभी कभी हमने काफ़ी इक्विपमेंट का भी यूज़ किया, हमारे पास इक्विपमेंट है NDRF का, चिपिंग हैमर है और सब्बल है, जो भी चीज़ है छोटे मोटे हथियारों का भी, बड़ी मशीन का भी जिला प्रशासन के थ्रू प्रोवाइड किया गया था, उनका भी कुछ मदद लिया गया, जिस कारण से हम उस सक्सेस को वहाँ तक पहुँच पाए। सर देखुले प्रतिक्रिया रखुले अनेक गुड़े संघर्ष पल सक्सेस को पहुँचे आउ किसी कर्मचारियों को प्रतिक्रिया रखा। सर क्या बोलेंगे आप जो पहले बोल रहे थे ये बड़ा मुश्किल आपके लिए तो मुश्किल काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे काम तो पहले भी कर चुके, ये फास्ट टाइम ऐसे काम इतना इतना घंटा धर के करें ना, पहले ऐसे काम हुआ था। जय हिंद सभी को। सर अगर हम बोरवेल रेस्क्यू की बात कहें तो काम काफ़ी आसान हो जाता अगर वहाँ पर केव नहीं बनता। जो कैविटी वहाँ बन चुकी थी, शायद बच्चे ने वहाँ पानी और मिट्टी होने के जगह पे हाथ पैर चला के, वो हमने जैसा ऑब्जर्व किया एक कैविटी बना गया था, वो बार बार उसके अंदर चला जाता था। इसलिए जहाँ तक हमारा प्लान ए था कि हम इम्प्रोवाइज डिवाइस से उसको बाहर निकाल ले, बहुत बार सक्सेसफुल हो जाता है और लगभग ये ऑपरेशन बहुत जल्द कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बच्चा चूँकि आप लोग देख रहे हैं फिजिकली और मेंटली थोड़ा डिसेबल था, वो बातों को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो एक कैविटी में हमेशा कुछ भी ऊपर से दे रहे थे, वो छुप जा रहा था, जिससे वो हमारे पकड़ के बाहर आ रहा था। जिससे हमने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी उसे खेलने की चीज़ें, जैसे हमारे साथी ने बताया खेलने की चीज़ें, क्या खाने की चीज़, गाना सुना के उसे लालच दे के बाहर लाने की बार बार हम कोशिश कर रहे थे। साथ में साथ ये भी देख रहे थे कि वहाँ का वाटर लेवल इतना ज़्यादा ना हो जाए कि उसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। वाटर लेवल देख के हमेशा हमने जब भी वाटर लेवल को ऑब्जर्व किया कि वो ज़्यादा हो रहा है, हमने अगल बगल का मोटर चलवा दिया, इवन हमारे साथियों ने उसका लोटा या छोटा सा मग डाल के बार बार पानी निकाला, क्योंकि पानी का लेवल जो था वो उसके नाक तक ना आ जाए। बच्चा जो था वो गिरा हुआ लेटा हुआ पोजिशन में था, इसलिए उसके लिए हल्का सा भी लेवल ज़्यादा हो रहा था तो उसे परेशानी कर रही थी, और उसकी परेशानी हम मोनिटर में ईजिली ऑब्जर्व कर पा रहे थे। तो बेसिकली जो हमारे टीम कमांडर ने हमारे टास्क दिया था, यू शुड ट्राई टिल लास्ट, आप जब तक ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए ये आपका काम रहेगा कि आप किसी भी मेथड यूज करो, इम्प्रोवाइज मेथड यूज करो और बार बार ट्राई करो कि वो बच्चा किसी भी तरह कैविटी से बाहर आ जाए और वो आपके, जिस तरह हमने जाल बिछाया था रस्सी का फंदा बना के, जे हुक बना के, अनेक प्रकार का हुक बना के, वो उसमें आ जाए। तो और प्लान, इसी प्लान को एग्जीक्यूट काम करने के लिए हम अपने साथियों के साथ इसमें काम किया। देखुले प्रतिक्रिया रखुले अनेक गुड़े प्लान थिला जे गोटे परे गोटे जेमती काम सक्सेस करिबो तापरे फिर भी निश्चित को समस्त कर्मचारी प्रतिक्रिया रखा, कहीं समस्ते ये पूरा जो रही 105 घंटा संघर्ष से लगी। सर क्या बोलेंगे आपका उस टाइम में क्या काम था, उस टाइम में आप कैसे फीलिंग से रहे उस टाइम को? फीलिंग तो उस टाइम बहुत ही कठिन काम था, कारण आम मैंने 85-50 डिग्री ऊपर खरा था, ऊपर से ऊपर लू चलता, गरम तर आम रेस्ट बोली किसी नाला, खाइब पीबू रेस्ट से ही टनल भितर आम 8 जन ग्रुप काम करेंगे, फिर 8 जन से ही टनल पाखे आम रेस्ट करूँ, खाइबा से ही शोवा से ही जो 20-25 मिनट से ही रेस्ट करूँ, सेटा कम करूँ, समस्त भी समस्त बहुत ही हार्ड कम करते ये राहुल को बचाप समस्त आम पूरा जीवन सह आम जीवन एत परिश्रम कर जितनी परिश्रम करें। आप क्या बोलेंगे ये कैसा महसूस है उस टाइम का? बोले सर हम लोग का जब टास्क खत्म होने के बाद एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आया कि जो हम लोग को सीनियर अधिकारियों के द्वारा जो हम लोग को मतलब दिया गया था काम, हम लोग सारे जवानों ने मिल के अच्छे अच्छे से निभा दिया। सर सर आप क्या बोलेंगे वो जो इस टाइम के आपका कैसा फीलिंग था, आप सोचे थे कि इस काम को आप सक्सेस होंगे? हाँ आम टीम कमांडर सहित तो आम मिश्रा साहब समस्त मनोबल आम प्रति मतलब भल था, से अधिक उत्साह करुले आउ आमे से पथर को भांगापी केत पछघुंचा कलुनि कि से पथर भांगी पारू कि न भांगी पारू, कि आमको आसान रहा टीम कमांडर आम साम तरफ जो उपदेश थिला सारंकर। सर आप कौन कहते देखुचु जे एत गुड़े घंटा घंटा धरी सक्सेस कले आप राहुल देखुले कौ पोजिशन थिला, आपण दायित्व से समय कौन रही और कमी आप भावुले राहुल को सुखी उदार करेंगे बोलिए, से टाइम फिलिंगस कौन थी आपंकर?
ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ସି ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ର ସାଥିରେ ଥିଲେ ମହନ୍ତ ମେଜର, ଜେନା ମେଜର, ଇଏ ମୁଁ ଆଉ ନିକମ ମେଜର, ଏ ସବୁ ଆମର ମୋ ସାଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆମର କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ମହାନ୍ତି ସାହେବ, ଆମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିନିୟର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସାହେବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଯେଉଁ କାମଟିକୁ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଦିନ ଭରି ରାତି ଭରି ଆମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ 50 ଫୁଟ୍ ତଳେ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଗଲା ଯେ ଆମକୁ ଏତିକି ସମୟ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ 50 ଫୁଟ୍ରୁ ଠାରୁ ଆମକୁ ଟନଲ୍ କରିକି ଆହୁରି 18 ଫୁଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଟନଲ୍ କରିକି ମାଟି ବାହାର କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ମିଳିଲା। ସେ ପଥରକୁ ଆମେ ମାନେ ଡର ନ କରିକି ଆମେ କହିଲୁ ଏ ପଥରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ସାୟଦ ଆଉ ଆଗକୁ ମାଟି ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦିରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପଥରଟିକୁ ଆମେ ଚିପିଂ ହାମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମ ସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଥର ଆସିଲା। ପଥର ପରେ ପଥର ଆସିଥାଏ, ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଶୋଇକି ୟାପରେ ଛୋଟ ହତିଆର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ରିକ୍ସ ନେଇକି। ତା'ପରେ ସେଠିକାର ପୋଜିସନ୍ ଏମିତିଆ ଥିଲା, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକ ଥିଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଇଏ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ନ ଖାତିର କରିକି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରି ଚାଲିଥିଲୁ। ସେ ତା'ପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ବୋରୱେଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ସ୍ପଟ୍ କଲୁ, ତା'ପରେ ଆମକୁ ସେ ବୋରୱେଲ୍ର ପଥରଟିକୁ ମାଟି ଚାରିପଟରେ ଖୋଳି ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଗେ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନେଇଲୁ ଯେ ପିଲାଟି ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାଳେ ତା ଉପରେ ଡେବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ତା ପାଇଁ ବୋରିକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ତାକୁ ସେ ବୋରୱେଲ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ସେଫ୍ଟି ଭାବରେ ରଖିଲୁ। ରଖିଲା ପରେ ସେ ଆମେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲି ତା ଭିତରକୁ, ଯେହେତୁ ବୋରୱେଲ୍ର ମୁହଁଟି 10 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା, ଛୋଟ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ନ ଯାଇପାରି ସେଠୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ସିଭିଲ ପିଲାର ସହାୟତା ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ପଠାଇଥିଲୁ। କାରଣ ସେ ପିଲାଟି ପତଳା ଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ପଠାଇଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ କହିଦେଲୁ ଯେ କେମିତି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା। ସେ ପିଲାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଉପର ପିଲାଟିକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଆଣିଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ପିଲାଟିକୁ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟି ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବୋରୱେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ସମୟରେ। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ସେ ମୁଁ ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାତଟାକୁ ସିଧା କରି ଏବଂ ସିଧା ଉପରକୁ ଆଣି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ କରି ଆମେ ସିଧା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଠାଇଦେଲୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା, ଯେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ସାର୍ କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଆପ୍ ଅନ୍ଦର ଗଏ ଥେ, ଆପ୍ ଅନ୍ଦର ଗଏ ଥା, ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପକା ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଥା, ଯେଉଁ ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍, ଯେଉଁ ଫାଇବର୍ସର ମେସିନ୍, ଉସ୍କୋ ଆପ୍ କେସେ ପକଡ଼ କେ ଖୁଦାଇ କରେ ଥେ? ସାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମେ ଜବ ହମକୁ ହମନେ ଚିପିଂ ହାମର ହମାରି ଏକ ମେସିନ୍ ହୋତି ହେ, ଓ ଡ୍ରିଲିଂ ପର ହାମରିଂ କରତି ହେ, ଉସେ ହମ ହାର୍ଡ ସେ ହାର୍ଡ ପତ୍ଥର ତୋଡ଼ନେ କି କୋଶିଶ କରତେ ହେ। ଲେକିନ ଜବ ହମନେ ଯେ ନିଚେ ଟନଲ ଖୋଦନେ କି ଶୁରୁଆତ କି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମେ ହମକୁ ଏକ ବହୁତ ହାର୍ଡ ପତ୍ଥର ଲଗା, ଉସକେ ଲିଏ ହମନେ ଚିପିଂ ହାମର ବହୁତ ତୋଡ଼ନେ କି କୋଶିଶ କର ରହେ ଥେ। ଏକ ଚିପିଂ ହାମର ସିଙ୍ଗଲ ଆଦମୀ ୟୁଜ କରତା ହେ, ଲେକିନ ଉସ ପତ୍ଥର କୋ ତୋଡ଼ନେ କି ଲିଏ ହମ ଦୋ ଆଦମୀ ଲଗେ ରହେ। ଫିର ବି ହମକୁ ହର ଜଗହ ନିରାଶା ହାତ ମେ ଲଗ ରହି ଥି, କ୍ୟୁକି ଏ 15 ଫିଟ୍ କେ ସଲଗ ହାର୍ଡ ପତ୍ଥର ହି ମିଲି। ହର ୱକ୍ତ ଲଗତା ଥା ଥୋଡ଼ି ସି ମିଟି ଆ ଯାତି ଥି, ହମକୁ ଲଗତା ଥା କି ହମ ତୋଡ଼ ପାଏଙ୍ଗେ ୟା ଆଗେ ବଢ଼ ପାଏଙ୍ଗେ, ଲେକିନ ହର 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 ୱକ୍ତ ହମକୁ ନିରାଶା ହାତ ମେ ଲଗ ଯାତି, କ୍ୟୁକି ସଲଗ 15 ଫିଟ୍ କି ପତ୍ଥର ହି ଥି, ତୋ ହାର୍ଡ ଇଲାମାଇଟ ପତ୍ଥର ଥି। ଉସକେ ହମନେ ବାଦ ବ୍ରେକିଙ୍ଗ ମେସିନ ସେ ବି ଉସନେ ତୋଡ଼ନେ କି କୋଶିଶ କି, କ୍ୟୁକି ହମାରେ ଲିଏ ଏକ ତୋ ଟାଇମ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥା, କ୍ୟୁକି ରାହୁଲ ଅନ୍ଦର ଫସା ଥା ବହୁତ ଦିନ ହୋ ଗଏ ଥେ, ହମ ବି କାଫି ଦିନ ସେ କାମ କର ରହେ ଥେ, ଉପର ସେ ହମ ବି ଥକେ ହୁଏ ଥେ, ଉପର ସେ ରାହୁଲ କେ ସବସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଥା କି ହମ ଜିତନା ଟାଇମ ଜ୍ୟାଦା ଲଗାଏଗେ ଉତନା ଉସକେ ଜାନକୋ ଖତରା ଥା। ଉପର ସେ ପତ୍ଥର ହମକୁ ହର ୱକ୍ତ ନିରାଶା କର ରହା ଥା, ଲେକିନ କୈସେ କରକେ ହମନେ ବହୁତ ମେହନତ କିଆ, ଦୋ ତିନ ମେସିନ ୟୁଜ କି, ହର ୱକ୍ତ କଭି ସବଲ ୟୁଜ କିଆ, କଭି ହର ଏକ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସେ ୟୁଜ କରକେ ହମନେ ଉସକେ ତୋଡ଼ନେ କି କୋଶିଶ କି, ଔର ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ଆଗେ ବଢ଼ତେ ରହେ। ସାର କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ ଆପକା ଫିଲିଂସ କେସା ରହା ଉସ ଟାଇମ ମେ? ସାର ନମସ୍କାର, ମୁଁ କନଷ୍ଟେବଲ କାପ୍ସେ ଏଲବି। ହମାରେ ମେନ୍ ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମିଶ୍ରା ସାହେବ, ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡର ହମାରେ ମହନ୍ତି ସାହେବ, ମୁଁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ ବତାଏ ଆପକୁ ଏ ବି ସି, ଉସମେ ମୁଁ ଏ ପ୍ଲାନ ମେ କାମ କର ରହା ଥା ମାନନୀୟ ସିହ୍ନା ସାହେବ କେ ସାଥ ମେ, ତୋ ଉପର ମେ ଉସକୁ ମନିଟର କରନେ କି। ଜବ ବି ହମ ଉସକୁ ମନିଟର କର ରହେ ଥେ, ସବସେ ମେନ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେନେ ୱାଲି ବାତ ଥି ହମାରି, ଜବ ଗଏ ଉସ ସମୟ ହମନେ ପହିଲେ ହମାରି ସାହେବ ନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନାଇ, ୱହାଁ ପେ ହମକୁ ବତାୟା କରନା କ୍ୟା ହେ କ୍ୟା ନହିଁ। ଉସମେ ହମନେ ପହିଲେ ଜାଇଜା ଲିଆ ସ୍ଥିତି କା, ଜାଇଜା ଲେନେ କେ ବାଦ ଜବ ହମନେ ମନିଟରିଂକୁ ସମ୍ଭାଲା, ଉସମେ ମେନ୍ ଥା ଉସକୁ ସର୍ଭାଇଭ ଟାଇମକୁ ହମକୁ ବଢ଼ାନା ଥା। ସବସେ ମେନ୍ ମକସଦ ହମାରା ଯେଉଁ ଥା ୱହାଁ ବଚ୍ଚେ କି ସର୍ଭାଇଭ ଟାଇମକୁ ବଢ଼ାନା ଥା। ତୁ ବଢ଼ାଏଙ୍ଗେ କୈସେ,
उसको खाना खिला के एक अच्छे तरीके से ऑक्सीजन दे के उसके बाद उसको ज़्यादा देर फीलिंग ना होने देना कि भाई कुछ भी हो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम सदैव लगे हुए हैं। तो ये फीलिंग हमने बरकरार रखी, उसमें हमने अपने इम्प्रोवाइज मेथड अपनाए, उसके बाद जो हमको बताया वो मेथड अपनाए। बाद में हमको थोड़ा वो ये पता चला कि तो मेंटली थोड़ा डिसऑर्डर है, तो हमने थोड़ा सा घर वालों को बुलाया, उसके जो चाल चलन रहन सहन उसके बाद में खाने का सिंबल वगैरह ऐसे क्या करता है वो, मतलब किसी का इशारा होता है खाना खाना ये ऐसे, वो सब सारा चीज़ उनके माता पिता से पूछ लिया, जान लिए। उसके बाद हम अपने से लगातार बात करते रहे, तो बाद में उसने हमारे हर एक बात पे रिप्लाई देना शुरू कर दिया। जैसे उसको हम केला डालेंगे तो उसको बोलेंगे केला बेटा केला खा लो, तो वो अच्छे से केला पकड़ता था, तोड़ के उसको छील के और आराम से खा लेता था। अगर हाथ गंदा हुआ है उसके बाद वो धो भी देता था, उसके बाद केला खा लेता था। फ्रूटी भेजने से फ्रूटी लेगा, उसको फ्रूटी पिएगा और छोड़ देता था। बाद में जब हम ये सब किए, वो खाना तो खा लिया, अब उसको क्या है ज़्यादा देर तक हमको सर्वाइव करना है। अकेला उतने नीचे वाली जगह पे वो बच्चा होते हुए भी कैसे सर्वाइव करेगा, तो उसके लिए हमने एक दूसरा मेथड अपनाया। हम बोला भाई इसके साथ में हम खेलेंगे भी और अपना काम करेंगे भी, क्योंकि वो छोटी जगह है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, साइड के बोरवेल चालू करने के बावजूद अंदर में जो पानी आया वो तो बाहर निकलेगा नहीं। तो उसको क्या किया हमने, एक छोटी कैटली टाइप का ले लिया, उसको अच्छे से रस्सी बांध के पानी दे, जैसे कैटली अंदर जाएगी उसको हम बोलते रहते थे बेटा कैटली पकड़ो और बाहर निकाल के दे दो, मगर वो ऐसे करता नहीं था। ऐसे हमने कम से कम एक दिन पूरा कर दिया, उसको क्या लगा ये अंदर आता है कुछ फिर वो बाहर जाता है, या अंदर आता है फिर बाहर जाता है, तो उसको क्या करता था बाद में जब वो आएगा पकड़ लेता था अंदर डुबा देता था, बाद में उसको हम ऊपर निकाल देते। तो उसको इसकी आदत लगी, तो वो एक हमारे लिए खेल बन गया, साथ साथ हम पानी निकाल रहे थे साथ साथ वो कैतली भर के दे रहा था। और ये काम होने के बाद जब हम देखें बाद में वो जब लास्ट के 37 हॉर्स बचे थे उसमें उसने खाना पीना खाना बंद कर दिया था, तो उसमें वो स्लिकनेस हो रहा था, सो रहा था, उठ नहीं पा रहा था। उसमें हमने क्या किया भाई अभी कुछ अलग मेथड अपनाना पड़ेगा, वो तो इस हमारे कार्य को कोई रिप्लाई दे नहीं रहा है, उठ नहीं पा रहा है। तो हमने क्या किया, हमारा साहब ने बताया कि आप कुछ भी करके इसको करना है, तो इसके गाने कौन से, घर वालों को पूछा हमने ये सुनता कौन से गाने थे, पंछियों की आवाज़, ये ऐसे इम्प्रोवाइज तरीके से हम जब उसको करने लगे तो भले वो उठता नहीं था मगर ऐसे उठ करके ऊपर देखता था ऊपर की ओर, क्योंकि हमने उसके ऊपर कैमरा फोकस हमेशा लगा के रखा। दूसरी बात, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा और अंधेरा कभी होने नहीं दिया, चाहे कुछ भी हो उसको ये महसूस नहीं हुआ कि आप अंधेरे में अकेले हो। बात करते रहे, उसके बाद खाना खिलाते रहे, उसको अकेला महसूस नहीं होने दिया और सर्वाइव टाइम बढ़ाया। दूसरी बात, हमको ट्रेनिंग मिलता है क्या चीज़, जैसे हमारा मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर का, तो हमको हर चीज़ बच्चे के बारे में सबके बारे में नॉलेज दिया जाता है, तो हमने उस नॉलेज का गेन करके वो भी अप्लाई किया। देखा पहले नॉर्मली ब्रीदिंग कितना होना चाहिए, तो वो पेट के ऊपर रखते ही हमको पता चल जाता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो पेट फूलता है और सांस छोड़ते हैं तो अंदर जाता है, तो उसको हम टाइमिंग एक मिनट के अंदर गिनती किया और हमको ज़्यादा समझ में नहीं आया, इसलिए हमने वो डॉक्टर साहब को बुला के ब्रीदिंग का रेस्पिरेशन का सब बताया। तो उन्होंने बताया तबीयत ठीक है क्या, कम ज़्यादा है, बार बार हमारा साहब को हम सूचित करते रहते थे और वो आगे बढ़ाते रहते थे। डॉक्टर की सारी टीम वहाँ उपलब्ध थी, वहाँ प्रशासन ने भी बहुत अच्छे से हमारा हेल्प किया। उसके बाद में हम सभी का धन्यवाद देते हैं। बस एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऐसे कभी कोई बोरवेल खुला होता है तो प्लीज़ कृपया करके उसको बंद करें, ना आगे चल के ऐसा प्रॉब्लम आ जाए। नमस्ते। क्या बोलेंगे, आपका उस टाइम में क्या रोल था वहाँ पे? सर हमारा रोल था सर, हम जो टीम कमांडर जो भी आदेश दिया गया सर, कभी किसी को रिलीव करना है या कभी किसी को कोई काम और पड़ता, कोई सामान पहुंचाना है, मतलब किसी तरह का भी कार्य हो वो हमारा सामान पहुंचाना या किसी को थोड़ा देर के लिए रिलीव करना है या कोई सामान लाना है या पानी पहुंचाना, कुछ भी हो मैं सारा हर तरह का काम किया सर। देखुले प्रतीक्षा रखुले आज जे अच्छा आम सहित अच्छा अनिल कुमार, जे कि आप जानते गोटे वीडियो से समय सामना करता जे जो थी राहुल को केला खाले बेटा, राहुल को कदमी खायापी गोटे प्रकार उपर थे कि आदेश दूसरे से आसल अनिल कुमार सहित आलोचना करवा। अनिल जी क्या बोलेंगे आप उस टाइम हम देखे आपका वीडियो हो जी आज ऊपर था कि ये जो राहुल का राहुल का आप क्या बोल रहे थे उसको कैसे आपको ये कर रहे थे? जी सर, मैं बी अनिल कुमार हूँ, एनडीआरएफ का बल सदस्य हूँ। एक्चुअली सर मैं
जब गया था उधर सिचुएशन देखा, बहुत पैनिक कंडीशन था। मैंने सोचा इसको कैसे बचाऊँ, वो रोने लगा, जो रोए जा रहा कंटिन्यू। फिर हम लोग ने चार्ज लिया, साहब मेरे को डिटेल किया उसी जगह, तुम इधर ही रहेगा, इसका जो ऊपर कैसे लाना, क्या करना, कैसे ऑब्जर्व करना, ये सब तुम्हारा जिम्मेदारी करके मेरे को बोल दिया सर। फिर मैंने उससे पहले बुलाया था दो तीन बार, राहुल राहुल करके, वो कोई आवाज़ का रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने और ऊंची आवाज़ से अंदर तक मुँह लगा के राहुल बेटा कहने लगा। जब मैंने राहुल बेटा पुकारा तब उसने ऊपर देखा, तब मुझे लगा कि इसको फील हुआ, इसका पास कोई है, इसका अपना बंदा कोई है। एक्चुअली सर मैं इतना फील हुआ कि मैं उसका मतलब बल सदस्य नहीं, उसका फैमिली का कोई ये नहीं है मेरा, फिर भी मेरा आवाज़ से वो रिस्पॉन्ड कर रहा, वो चीज़ जो हमको ज़्यादा ये दिलाया कि इधर से जाना ही नहीं, जब तक राहुल आएगा तब तक बाहर नहीं निकला। उसी फीलिंग से मैं उधर ही डटे रहा, काम करते रहा कंटिन्यू आवाज़ दे करके। 5 दिन तक मैं उस जगह छोड़ा नहीं सर, उधर ही रहा, ऊपर बैठे थे, ऊपर से ही देख रहा था पूरा, मैं अपना काम कर रहा था, उसका साथ में खेला खिलाना और टाइम टू टाइम इसको सुलाना, ये नहीं कि कंटिन्यूस हो गया तो फिर जगाना, फिर पानी बाल्टी दे करके पानी डुबाओ फिर दे दो, ऐसे करना फिर सुलाना, ऐसे करके कंटिन्यू कर रहा था। ऊपर सांप भी घूम रहा था, फिर सांप सांप के बारे में मैंने पहले बताया नहीं था, मैं देख लिया ऑब्जर्व किया, मेरा मन में रख लिया, क्योंकि कन्फर्म नहीं था, पहले बताएंगे तो फिर पैनिक हो जाएगा सब सिचुएशन, ऑपरेशन में आरबीडी लगेगा। फिर मैंने बाद में हमारा कलेक्टर साहब को बताया, हमारा टीम कमांडर को बताया, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब को बुलाया, उसको भी दिखा दिया, वो लोग बोला ठीक है कोई टेंशन नहीं है, तुम बोलना नहीं, वो तो अपना साइड में घूम रहा है, लड़का साइड में, बीच बीच में वो लड़का को ऊपर भी आ रहा था, लेकिन वो उसको कुछ नहीं किया था, वो भगवान का कृपा मानते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या सर, वो लड़का तो जब तक स्टार्टिंग में जैसे रोया था, उसके बाद मैंने जब से आवाज़ लगाना शुरू किया उसके बाद वो रोना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि वो दुनिया अलग हो गया उसका, वो सोचा कि मैं ही उसको दुनिया, जो ऊपर से मेरे लिए चिल्ला रहा, जो भी समझे, काका समझे, पापा समझे, जो समझे, वो सोचा कि मेरा यही दुनिया है, मेरे ऊपर से कोई खाना दे रहा है, मेरे साथ खेल रहा है, मेरे को टाइम पास कर रहा है, बस वो माँ बाप को भी भूल गया मुझे लग रहा है। फिर उसी हिसाब से उसको मैंने अपना लिया है, अपना मन से कब्जा कर लिया, उसके साथ गेम खेलते ही ये करते करते उसको ऊपर लाने की कोशिश किया, लेकिन लास्ट जो 36 घंटा बचा था उस समय वो खाना छोड़ दिया, तब मेरे को बहुत दुख लगा सर, इतना दुख है कि मैं इतना मेहनत किया हूँ, मेरा बेटा ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, तो सही सलामत होगा कि नहीं होगा। फिर मैं देखते रहा उसको, सब चल रहा, रेस्पिरेशन चल रहा, सब चल रहा, लेकिन वो फंस गया, ऊपर नहीं आ पा रहा। फिर मैंने उसको अभी बोला था, हमारा दोस्त भी बोला था उसको इम्प्रोवाइज डिवाइस कर दो, उसको गाना सुनाना, ये करना, इसे टाइम पास तो करा रहा था, लेकिन खाना का ना होने की वजह से वो बेहोश हो सकता था। अगर बेहोश हो गया, बेहोश होने से क्या, एक्चुअली जो वो होश था, होश कंडीशन में क्या, वो पानी अगर ऊपर तक आ गया तो वो पानी को नाक से हटा देता था, अगर बेहोश हो गया तो वो नहीं कर पाता, सांस नहीं ले पाता, इसलिए मैंने कंटिन्यू उसको जगाए रखा। फिर लास्ट में जब बाहर आने का टाइम में वो बहुत देरी हो रहा था, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं अगर नीचे जाऊँगा, मेरा राहुल के पास जाऊँगा, नीचे से नज़दीक से आवाज़ दूंगा, तब राहुल तुरंत आ सकता है, ऐसे बोल के मैं लास्ट में अपना आपको कंट्रोल नहीं रख पाया, इमोशनल हो गया। फिर मैं चिल्लाते चिल्लाते डायरेक्ट अंदर टनल का थ्रू डायरेक्ट अंदर घुस गया गुफा का अंदर। तब मैंने हमारा कमांडर साहब था, मिश्रा साहब था, वो लोग बोला अनिल आ गया, अनिल आ गया, अनिल तुम आ गया ना, आवाज़ दे, अभी बगल से तुम आवाज़ दे, तुम्हारा बेटा जग जाएगा। तो मैं फिर उधर से भी मैं 2-3 बार बुलाया, राहुल बेटा मैं आ गया हूँ, राहुल बेटा डरो मत मैं आ गया हूँ, ऐसे करके जब मैंने बोला तुरंत उसका अंदर होश आ गया, उसको लगा मेरे पास कोई आया मेरे को बचाने के लिए, जैसे वो रेस्पॉन्ड किया मेरा साहब बोला हम लोग जीत गया, हम राहुल को बचाएंगे, यही है सर। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग हमारा दोस्त लोग कितना आदमी मेहनत करके, चट्टान तो आप देखा होगा कितना मतलब बड़ी सवाल है कि हम लोग चट्टान तोड़ना, चट्टान तोड़ते रहा ऊपर साइड से, ऊपर से हम लोग आवाज़ देते रहा, कोई सोया नहीं सर, सोने का तो बात ही नहीं हुआ, सोना खाना ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, अपना आप काम पर लगा ही रहा सब लोग, इसीलिए हम लोग सफलता मिली। धन्यवाद। देखुले प्रतिक्रिया नाला जे कि अनिल कुमार थिले राहुल को केला खाले बेटा बोली बारंबार कहते और राहुल निज पर प्रियजन बोली कदली नौले आज जो अच्छा एनडीआरएफ कर्मचारी प्रतिक्रिया रखा सर आपंकर कौन भूमिका रही है आज से समय आपंकर कमी फिलिंग्स आसूल नमस्कार। एक्चुअली आम जिते से दिन जाए पहुँचल सेठिकार सिचुएसन देख लु कि आम फास्ट तो बुझीपालुनु ये जिते जान लु कि पिलाटा हूँ अबनॉर्मल कि सी ठीक से कथा कही पारे बा ठीक से शुणी भी पारे आम केमी कौन आम मानने बाहर करमर जिते सब प्रकार आम सब इम्प्रोवाइज डिवाइस अच्छी जहाँ द्वारा भी आम जहाँ भी ट्राए कलु से आम कौ थे भी आम सक्से पाइलुँ
तापर आम कंटिन्यू जिते बड़े आम गला बेलू मानने से जो साइड्रे आम कहलु कि ये प्लानिंग तो आम चलो कितु आम कहलु कि जो दस फुट डिस्टेंस रे जो मानने गाढ़ा खोलियापी आम कलेक्टर सर को कहल कि बंद मानने खोलवा चालू रखु से फास्ट आरंभ कर अल्प कि आम गला तो बंद करदे कलेक्टर मना करदे बंद करदे कि आम कहल ना बंद नहीं आम तार मानने तार जो प्रक्रिया अच्छे केमती कौन केटान्स खोला हाँ दरकार के तार जो मानने आम प्लानिंग बतेलु से हिसाब से मैंने गढ़ा खोल आरंभ है आमर एपटे मानने उपरको गाढ़ जो प्रक्रिया आम भी आरंभ करूँ तो दुईटा को एका साथ चलता जिते बड़े मानने फास्टे तो सब किसी ठीक ठाक चलला कितु जिते बड़े जिते आम तौक तौक गढ़ा खोल से पथर पथर बाहर था गढ़ा खोल बहुत लेट भी है तेज आमको जिते डेरी डेरी होमको से ये लगुच मानने भय लगुच पता नहीं आम राहुल को बचे पार कि नाई आते मानने आम उपर गोटे प्रेसर मीडिया पब्लिक एत जगार सब प्रकार प्रेसर उपरूर पथर आमको ये हईराण कला कि आम लास्ट मुमेंट पर्यटन कितु आम भरोसा रखी जमी आम हार मान नु है कौन सी पांच दिन पर्यटन आम कौन सदस्य कहीं भी से मैंने खाइबा तो मैंने नॉर्मली खाइबार कौन किंतु कहीं भी टोटाली सोई ना पांच दिन पर्यंत कहीं भी सोई ना बिना सोईबार भी कहारी जोश कमी न था आपर षाठी फुट गढ़ा खुल्ला आम भाविल कि नाई आम एथरक जीत हासिल करनबु कहीं गढ़ा जो खोला है गढ़ा खोल मेसीन खोलूला आमको लगे कि हाँ गढ़ा होगा आम तो टनल बनईदेबू आम पाखे जिते प्रकार मेसीन अच्छे आम से टनल तो बनईदेबू कितु गढ़ा खोलवाटा जी प्रोब्लेम ना टनल आहरी अधिक कष्ट साध्य था कारण पथर मानने संपूर्ण जितने आम 22 फुट टनल खोलू 22 फुट रु पूरा 20 फुट भाया संपूर्ण पथर थी आ 20 फुट को पथर आम से तले थू आम से टनल बनाऊ से टनल बनवे एत मुस्किल होता कि सेठी एक तो मानने ऑक्सीजन रो कमी लगुला ता भितर मानने ठीक से निश्वास भी नहीं होता एत गरम आ भितर पथर भितर एत भर को जाकि से जो मशीन सुहादे काटा ये करा आम पिला मैंने सब शोक भी काटू तापर ताक मानने बहुत कंजेस्टेड एरिया बहुत क्रिटिकल वर्क था बट जहाँ भी हो कि आम से परिश्रम हेले भी आम से मान मायने रखी ना आम को केवल कि राहुल को जमी बचार किंतु से बहुत मानने समय लगला कि भगवान कृपार जय जगन्नाथ कृपार आम मैंने एथेर सफलता हासिल कलु आमको बहुत खुशी लगला हो सारापर आमको मैंने एत सारा खुशी लगे से खुशी रखी किसी मानने हद ना तो आम से बहुत खुशी समस्त आम टीम तरफ आम मानने समस्त को बहुत भल लगला कि आम एमती अपरेसन गोटा जोटा को आमको मानने मैंने असंभव लगुला से आम संभव हो पारा से आम बहुत खुशी निश्चित प्रकार देखुला पूरा टीम रतिक्रिया रखुला पूरा टीम समस्त कर्मचारी आलोचना करूला जे किभली एनडीआरएफ कर्मचारी मैंने राहुल को उद्धार करने कहीं राहुल पाखापाखि 60 रु अधिक फुट बोरवेल भितर फसी रही थे पड़ते पाखापाखि दीर्घ 105 घंटा धरी अक्लांत परिश्रम पर एनडीआरएफ टीम और अन्य एसडीआरएफ टीम अन्य सेना कर्मचारी पुलिस कर्मचारी लगिकी ये कौटि ना कौटि बर्तमान समय राहुल को भितर उद्धार कर सारापर एवं देखुले एनडीआरएफ टीम किभली कौन किए कौ रोल था किए कौन करूला प्लां कौन रही किभली राहुल को चेतक रोते कि राहुल को खेल कि रखुले कि तमाम विषय में आलोचना करूला एडीआरएफ टीम को सहित प्रतिक्रिया रोला जबुठ बड़ कथा है कि राहुल सुरक्षित उधारी ये कौटि ना कौटि सबुठ श्रेय एम को देवा कथा जो मैंने कि अक्लांत परिश्रम कर 105 घंटा धरिकी राहुल को उद्धार कर सबुठ बड़ कथा है गत काली मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ एनडीआरएफ टीम अन्य जो अच्छा सहयोगकारी टीम समस्त को कौटि ना कौटि सम्मानित कर देखुले तमाम आम आलोचना करूला किभली यांकर संघर्ष रही 105 घंटार तथ्य ता आम समय बखुणुले कैमेरा पर्सन रोहित सिंह सह मनय भाई नमस्ते।